जिस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनएक्सटी के टेक ओवर 36 के बारे में, और भाई इसके हम लोग बैटिंग ऑड्स जानने वाले, और भाई क्या कुछ कह रहे हैं बैटिंग ऑड्स इसके बारे में बात करने वाले, और भाई इसका पूरा हम लोग जो है रिव्यू करने वाले। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप लोग जो है लाइक से जरूर देखना, और भाई चैनल अपने तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देर नहीं करते। और वो जो कार्ड के ऊपर सबसे पहला मैच होने वाला है वो यहाँ पर से होने वाला है यहाँ पर से अपने रेजी हॉनर वर्सेस ट्राई बेक्स्टर के बीच, और भाई यहाँ पर इन दोनों का एक सिंगल्स मैच होने वाला है। और भाई यहाँ पर से फिलहाल ये नया नया मैच ऑफिशियल है, और भाई इसके कुछ फिलहाल बैटिंग ऑड्स वगैरह रिवील नहीं हुए, लेकिन मेरे ख्याल से जो इस मैच का विनर हो सकता है वो गए यहाँ पर से मेरे ख्याल से हो सकते हैं रेजी हॉनर। अब जो नेक्स्ट मैच का जिस कार्ड के ऊपर होने वाला है वो एक काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग मैच दिखा देने वाला है। वापस से अपने जो एल ए नाइट है वो हमें इस बार फेस करते हुए दिखा देने वाले अपने कैमरन क्राइस को, और भाई यहाँ पर से ये होने वाला है मैच, और भाई एक मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है, और भाई ये चैम्पियनशिप के लिए होने वाला है, तो ये काफ़ी तगड़ी और अच्छी चीज़ होने वाली है। और भाई इस मैच के अंदर अभी फिलहाल जो विनर बताया जा रहा है वो है गए यहाँ पर से अपने कैमरन ग्रेस, और भाई कैमरन ग्रेस के जो ऑर्ड्स है वो है -120 के ऊपर, और भाई जो एल ए नाइट है वो है +125 के ऊपर। तो भाई इस मैच के अंदर हमें जो एक प्रोबेबली एक टाइटल चेंज दिखाई दे सकता है। अब जो नेक्स्ट मैच आने वाला है कार्ड के ऊपर वो आने वाला है इस बार एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए, जहाँ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए जहाँ पर से राकेल गोंजालेस अपना टाइटल ऑन द लाइन लगाने वाली है अगेंस्ट डकोटा का, और भाई यहाँ पर से ये मैच होने वाले, और भाई फॉर्मर फ्रेंड्स इस बार जो है हमने सामने आने वाले, और भाई यहाँ पर से एक मैच अच्छा होने वाला है वुमेन रेसलिंग के अंदर। और भाई मैं फिलहाल इस मैच के बैटिंग ऑर्ड्स की बात करूँ तो फिलहाल इस मैच के अंदर राकेल गोंजालेस के ऑर्ड्स चले गए वो है -250 के ऊपर, और भाई जो डकोटा का है वो है +175 के ऊपर। और भाई हमें इस मैच के अंदर भी कोई भी टाइटल चेंज नहीं दिखा देने वाला अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्ड्स। भाई इस मैच के जो राकेल गोंजालेस है वो इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को करने वाले हैं डिफेंड। इसके बाद नेक्स्ट जो मैच आने वाला है वो आने वाला है एनएक्सटी की यूके चैंपियनशिप के लिए, उसके होने वाला है अपने करंट चैंपियन वॉल्टर वर्सेस एलएच ड्रैगनो के बीच, और भाई ये काफी तगड़ा मैच होने वाला है। और भाई एलएच ने जिस तरीके से अपनी काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस की है भाई, लग रहा है कि वो चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको और बताऊँ इस मैच के, तो भाई ये है फिलहाल अपने एलएच के पास, और भाई एलएच चले हुए हैं वो चले हुए हैं -175 के ऊपर, और भाई जो +125 के ऊपर है वो है अपने वॉल्टर। और भाई इस मैच के अंदर हमें एक टाइटल चेंज दिखाई देने वाला है। अब जो नेक्स्ट मैच आने वाला है वो दिखाई देने वाला है अपना एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए कैरियन क्रॉस वर्सेस सामोआ जो के बीच, और भाई काफ़ी तगड़ा मैच होने वाला है। इन दोनों की जो मैसिव ब्रॉल हुई थी उससे भाई काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, और भाई जो अपने जो बस जो समूह जो है ना वो किस तरीके से मतलब ना तबाही कर देंगे वो इस तरह से कैरिंग क्रॉस को। और फिलहाल मैं इसके आपको बैटिंग ऑर्ड्स बताऊँ तो समूह जो के बैटिंग ऑर्ड्स चले हैं -300 के ऊपर, और जो अपने कैरिंग क्रॉस है वो है +200 के ऊपर। और भाई इस मैच में अपने जो कैरिंग क्रॉस है वो हारने वाले, और भाई हमें न्यू एनएक्सटी चैंपियन समूह जो दिखाई देने वाले, तो भाई देख लेते क्या होता है। लेकिन जो कार्ड का फाइनल मैच होने वाला है, जो फाइनल मैच होने वाला है वो होने वाला है इस बार कैसे अपने एडम कोल वर्सेस काइलो राइडी के बीच, और भाई ये होने वाला है इन दोनों का लास्ट क्लैश। और भाई इस मैच के अंदर ये होने वाला है गाइस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉल का, फर्स्ट फॉल होने वाला है वो होने वाला है एक सिंगल्स मैच, सेकंड फॉल होगा स्ट्रीट फाइट का, और भाई जो थर्ड फॉल होगा वो होगा एक स्टील केज मैच। काफी हाई स्टेक्स है, काफी तगड़ा हमें एक्शन दिखा देने वाला है, फुल एक्शन पैक 5-स्टार ये रेटेड मैच होने वाला है। और इसके मैं आपको और बताऊँ तो काइलो राइडी चले हुए -270 के ऊपर, और एडम कोल है +180 के ऊपर, तो भाई काफी तगड़ा डिफरेंस है। और भाई काइलो राइडी इस मैच के अंदर जीतने वाले, तो भाई आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बैटिंग ऑर्डर्स के अंदर, आप मुझे आपके थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हो। लेकिन आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी, आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद है तो आप वीडियो कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं, आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो पसंद नहीं सकी, आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।